दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। एक बार फिर स्वागत है सभी का हमारे चैनल द गेमिंग वर्ल्ड में। दोस्तों हम लोग फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं ब्लॉककराफ्ट 3D। जी हाँ दोस्तों, और फिर होने वाला कमाल देखो दोस्तों। हमने वैसे तो हमने आपको पता है हमने जमीन का घर बनाया, जो इधर हमने तीन घर बनाए थे वो हमने तोड़ दिए, क्योंकि इधर मैंने कुछ और डेवलप करने का सोचा है। और आपको पता है हवा में बनाया था मैंने, लेकिन मैंने यार सोचा कि क्यों ना अपन बादलों में कुछ महल बनाए, तो मैंने सोचा ही था, मैंने कहा चलो बना देते। तो आपको बताऊंगा, पहले तो अपन अंडरग्राउंड भी एक रूम बनाया था, आपको पता होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कि और मैंने क्या बनाया अंडरग्राउंड। अब आप देखोगे कि साला क्या बनाया, कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन रुको गाइस ऐसे थोड़ी हूँ मैं। चलो चलते, ये देखो अबे एक और साला भूत है क्या? अबे अंदर कैसा है भाई, ये तो बंद है ऊपर सा है भूत है। अबे साला कौन था ये भाई, चौगे नीचे साला उधर ही खड़ा है। अबे क्या भूत वाली हरकत कर रहा है, ये क्या कर रहा है बे? चलो छोड़ो जो भी हो, अब मैं बता, देखो अंदर पूरी गली है, यार ग्लिच हो रहा है, बाहर का भी दिख रहा है, ये पता नहीं कभी कभी एक ग्लिच हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, और देखो इधर आने घुसने का और अंदर अंदर जाते रहो। अब आप कहेंगे ये क्या फला पूरी लंबी लंबी चौड़ी गली बना दी, चौड़ी नहीं पतली लंबी गली बना दी, लेकिन नहीं दोस्तों ये देखो अपना प्यारा सा रूम। जी हाँ वैसे मैंने रूम कहेंगे ये कैसा रूम है, वैसे अंडरग्राउंड रूम है तो ऐसे ही बनेगा। और देखो अपने नीचे और हटा नहीं सकते ना ब्लॉक, तो इसलिए अंडरग्राउंड रूम है और इतना ही बना है। और इसको हम बड़ा कर सकते, चौड़े में कर सकते, लंबाई में इतना ही रख सकते, क्या कहें मजबूरी। और अपन ने इधर ये लैंप लगाए ताकि सबको नजर आ सके, भाई एक तो अंडरग्राउंड तो अंधेरा थोड़ा बहुत रहता है। तो अभी तो इधर काफ़ी कुछ बिल्डअप करना है, काफ़ी कुछ डेवलप, देखो फला बंदे चल रहे वो भी दिख रहा हमें। अबे यार इतना बड़ा ग्लिच, और ये भूत अभी भी दिख रहा है, वही लड़की है बस। अबे इधर घूम गई ना शायद, पहले इस तरफ मुंडी थी। चलो कोई नहीं, सॉरी बाहर ना जाए, हम इसको फिर से बंद कर देते हैं अंदर। अंदर ही रह तुम, अंदर ही मजे करो दोस्तों कर। अबे साला एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा आ गए क्या तेरे पास? चलो दोस्तों चलते हैं बाहर, अब बताऊंगा गाइस मैंने बता बहुत मेहनत की है। आपको पता है बादलों के अंदर जो जो बंदा माइनक्राफ्ट या ब्लॉक क्राफ्ट 3D खेलता है उसको पता है कि वॉइस क्राफ्टिंग वो भी हवा में करना नामुमकिन है लगभग लगभग, तो काफ़ी ऊंचाई पे तो भाई साहब भूल ही जाओ, काफ़ी कठिन रहता है और काफ़ी टाइम भी लगता है। लेकिन जब आपका भाई खेल रहा होता है ना, जब दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, इसलिए दोस्तों मैंने शुरुआत कर दी, मतलब बाद के अंदर घर बनाने की शुरुआत कर चुका हूँ मैं। तो पहले तो आपको मैं ऊपर का जा रही है भी, पहले नीचे जाएंगे दोस्तों। आपको पता है अपने ट्री हाउस भी बना, पूरा ट्री मतलब पेड़ों के अंदर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करने का सोचा है। चलो वो भी बना बता दूँ आपको, आपको पता है ये अपने पहला ट्री हाउस था, लेकिन 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 इससे अपन अब आपके क्या फाला यही तो है। रुको भाई पीछे देखो, पीछे वो देखो अपने इस पेड़ से एक और पेड़ कनेक्ट कर दिया था। देखो ये रास्ता है, इधर से अपन जा सकते हैं, ये रहा अपना दूसरे पेड़ का रूम, एक रूम टाइप मैंने बनाया। अब पता है इधर पेड़ों के अंदर रूम बड़ा तो बन नहीं सकता, अगर दो पेड़ एक साथ हो गए तो अपन बहुत बड़ा रूम बनाएंगे। और ऐसे हम सारे पेड़ों को कनेक्ट करने वाले, और सोचो आप क्या गजब वो व्यू होगा, वो साला आपने ऊपर देख लिया होगा कि क्या बना है। चलो मैं चाहता हूँ अब देख लो, हो देखो महल बादलों के अंदर महल बनने वाला, वैसे कम्प्लीट नहीं होता हुआ है अभी, अभी आपने देखा ही कहा आपने, अभी वो गली देखा बादलों के ऊपर का महल, वो तो हवा के अंदर है ना। तो चलो बादलों के अंदर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, मतलब बना नहीं अभी मैंने वहाँ तक किस तरह से अपन को मतलब अपन जा सकते हैं बादलों के, मैंने पूरा रास्ता बना दिया, तो वही रास्ता दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई है बादलों के अंदर, भाई साहब सबसे कठिन अब तक का मेरा कार्य यही रहा है कि मैंने बादलों के ऊपर सीढ़ी बनाई। गाइस इतना दिमाग खर्च किया है ना, क्या बताओ। अबे साला मैं उल्टी दिशा में आ गया साला, मैं खुद ही भूल जाता हूँ यार कि मैंने किस तक बनाया, मतलब कंफ्यूजन वाला रास्ता है ना। चलो अपन को चलना सीधे, ये रही अपनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जी हाँ गाइस, और क्या अपन ऊपर ही बनाए? नहीं गाइस मैं देखो इधर मतलब इसके नीचे जो खाली जगह थी मैंने ऐसे खाली को छोड़ने का, तो मैंने क्या बनाया आइए बताते। चलिए दोस्तों स्वागत है आपका हमारे, इसको मैं क्या कहूँ, बस इसको आप ही नाम दो, इसको स्टेशन बोले या मतलब देखो कितना चाहिए। तो मैंने पूरा सोफा टाइप बनाया, मतलब चेयर बोल सकते हो, आप इधर बैठे हो बैठ सकते हैं मतलब आप, और ये देखो सब पीछे आगे सब जगह जा सकते। मैंने इसको बस चार पिलर पर खड़ा किया है, और देखो अभी इस पर बैठो और लो सामने के व्यू का, सामने का आनंद भाई साहब। देखो तालाब है जो भी है, अभी इसके अंदर तालाब के अंदर हम और भी पानी लाने वाले, अभी नहीं फिर कभी। अभी तो आपको मैं बादलों के अंदर अपना मतलब बादलों के अंदर मैंने क्या डेवलप किया है, किस तरह से करूँगा वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते ऊपर गाइस, पहले तो चलना भी बहुत पड़ेगा क्योंकि गाइस बहुत ऊपर चलना है यार, बहुत ऊपर।
चढ़ चढ़ कर थक जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चाय की जरूर वो देखूंगा। इसकी इतना सूरज के पास नहीं, क्योंकि सूरज के पास हम जा नहीं सकते, इतना भी ऊपर नहीं, बट है ऊपर। चलो शुरुआत करते ऊपर चढ़ने की। गैस ये सीढ़ियाँ बनाई थी, आपको पता है, अगर नहीं पता तो पिछले वीडियो में जरूर देखना कि हमने किस तरह ये सब डेवलप किया है। ये देखो, हमने पूरा इसका जो हाथ था, जो भी ये था, इसका हाथ पता नहीं क्या है, इसको पूरे एक बहुत बड़ा कर दिया ऊपर तक, और फिर इसके डाउन डाउन सीढ़ियाँ बना दी। अब इसकी सीढ़ियाँ मतलब चढ़ने में इसकी इतनी मुश्किल है, तो आप समझ सकते हो कि सीढ़ियाँ बनाने में तो हालत ख़राब हो गई होगी। हाँ गाइस, सच में हालत ख़राब हो गई थी, कितनी बार में नीचे गिरा, कितनी बार ऊपर, भाई सब काफ़ी ऊपर है यार, को मजा थोड़ी है। ये देखो पहले अपना वो था सबसे ऊपर, अब अपना ये हो गया सबसे ऊपर, और शायद आगे फ्यूचर में कुछ और हम डेवलप कर दें इससे भी ऊपर, मे भी। चलो चलते हैं आज फिलहाल तो ऊपर की ओर। इसका अब तक चढ़ रहे, देखो अभी भी नहीं पहुँचे। चढ़ते रहो, अभी तो मंजिल अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने ही वाले। ये देखो अपना गेमिंग वाले कर लोगो, वाओ, वो भी आसान नहीं था बनाना, लेकिन जो मैंने बादलों के अंदर ना गाइस उससे तो काफ़ी आसान था ये बनाना, जो बादलों के अंदर वो सीढ़ियाँ बनाए ना भाई, इसका छोटी सीढ़ियाँ लेकिन हालत ख़राब हुई। चलो आ चुके हैं अपने सबसे ऊपर, और ये देखिएगा ये मैंने घर बनाया छोटा सा, मैं सोचा इधर मतलब हाल फिलहाल तो ऐसे ही बनाया है मैंने, और भी कुछ डेवलप करना है इधर। देखो नीचे मैंने पूरा ट्रांसपेरेंट किया ताकि आपको हर चीज़ नीचे से दिख सके, ऊपर आने के बाद भी ऐसा नहीं किया नीचे किया है। तो ओके चलते अपने इस घर के अंदर की भाई, और क्या कितना खूबसूरत नेचर पड़ा इसको हटा दे, अब लुक सही आ रहा है। चलो अंदर, और देखो इस तरह मैंने दो लैंप लगा रखी है ताकि अंधेरा न रहे, और नीचे भी आप देख सकते हो पूरा ट्रांसपेरेंट किया, और देखो फला बंदा ही खड़ा है ना, या पेड़ है, बंदा आई थिंक नीचे, और उधर पानी तालाब जो भी कहो पूरा मैंने डेवलप किया है, तो अच्छा लग रहा है। और इधर मैंने पूरा ही ट्रांसपेरेंट किया ताकि हम फ्यूचर में अगर सामने वाले बाहर लोग घर बनाए तो इधर से आसानी से कभी आ सके, और कितना मज़ा आएगा गाइस इस रूम में। अभी तो हमने काफ़ी कुछ सोफे काफ़ी कुछ लाना है इस रूम में, उस वक्त काफ़ी मज़ा आएगा। चलो अब मैं बता दूँ आपको, हमने जो थोड़ा सा सीढ़ियाँ बनाई है बादलों को, वो है बादल, और आपको कुछ कुछ तो दिखा होगा मेरे दोस्तों। चलो चलते हो, आप बता दो कि मैंने क्या, वो भाई वो तो ऊपर भी चले गए फिर कभी, अभी तो बता दो। देखो ऐसे ये रास्ता बनाने इतनी दिक्कत नहीं है, तो आसानी से बन गया, लेकिन जो ये सीढ़ियाँ ना ये वाली हालत ख़राब हो गया। बस सोचो अगर मैं इधर खड़ा होता हूँ तो इसको नीचे से कैसे मतलब अटैच करो, इसको नीचे से अटैच करना था, सच बताओ आप बताने से, तो बट हालत ख़राब हो गई थी। और अभी तो ये सब किया मैंने, और ये करते करते मुझे ख्याल आया क्यों ना अपन ये ट्रांसपेरेंट ही लगाए, ताकि अपन को असली वाली फील आएगी भाई हाँ हम बादलों के अंदर है। देखो भी ये ब्लॉक्स है नहीं, बाकी मैं पूरा इसको जब ये ब्लॉक्स आएंगे ना तब मैं पूरा बादलों के अंदर यही ब्लॉक्स बनने वाला हूँ, ताकि अपन को ऐसी रियल वाली फीलिंग आए कि हाँ यार अपन बादलों के अंदर है ऐसा। तो अब आप सोचिए बादलों के ऊपर खड़े नहीं रह सकते क्या, तो दोस्तों नहीं रह सकते, बता तू आपको। ये देखो जैसे कि अपन जाएंगे ना, ये लो गोइंग टू द ग्राउंड गाइस, होम तो अपना वो भी था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक जरूर कर लेना, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।